हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी साइंस क्लास 10 की इस वीडियो में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 10th क्लास साइंस के चैप्टर 3 धातु एवं अधातु यानी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में स्टडी करेंगे। ये इस चैप्टर का वीडियो नंबर 1 है। तो आइए इस वीडियो के जरिए हम धातु एवं अधातु चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तत्वों को उनके गुणों के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया गया है। क्लास 9 में हमने तत्व के बारे में पढ़ा और हमने ये जाना कि अब तक 110 से भी ज्यादा तत्वों की खोज की जा चुकी है। इस वीडियो में हम धातु एवं अधातु के बारे में पढ़ेंगे। तो चूंकि तत्वों को उनके गुणों के आधार पर धातु और अधातु में वर्गीकृत किया गया है, तो इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा धातु एवं अधातु का भौतिक गुणधर्म। तो आइए हम देखते हैं कि धातु और अधातु का क्या क्या भौतिक गुण है। धातु का भौतिक गुणधर्म यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो मेटल्स का क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, इसको जानने से पहले मेटल्स के कुछ हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। लोहा, कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक यानी जस्ता, मैग्नीशियम, सोडियम, सीसा यानी लेड और सोना। इस प्रकार धातु के कुछ उदाहरण हमने देख लिए और इन सभी उदाहरणों से हमें एक रफ आइडिया मिल गया कि आखिर धातु क्या है। अब हम मेटल के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करते हैं। पहला है, धातु की सतह चमकदार होती है। देखिए, जितने भी धातु होती हैं सब चमकदार होती हैं, उनकी सतह जो है वह चमकीला नजर आती है। धातु की इस गुणधर्म को धात्विक चमक यानी मेटलिक लस्टर कहते हैं। तो जितने भी धातु हैं उसमें अधिकांश धातुएं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है और इसी चमक को धात्विक चमक यानी मेटलिक लस्टर कहते हैं। अगला गुण है, धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। जनरली क्या होता है कि जितने भी धातुएं हैं, जितने भी मेटल्स हैं, सभी कठोर होती हैं। अधिकांश धातुएं कठोर होती हैं। कुछ धातुएं इतनी मुलायम होती हैं कि उससे चाकू से काटा जा सकता है, जैसे सोडियम, लिथियम, पोटेशियम। जनरली होता क्या है कि जितने भी धातुएं हैं सभी धातुएं कठोर होती हैं, बस दो चार एग्जाम्पल को छोड़कर। उसमें से कुछ ऐसे धातुएं हैं जो बहुत ही मुलायम होती हैं और उससे चाकू से काटा जा सकता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सोडियम, लिथियम और पोटेशियम। मरकरी यानी पारा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। देखिए, एक ऐसा धातु है कि जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है और वह है मरकरी यानी पारा। सामान्यतः धातुओं का जो गलनांक है वह उच्च होता है और वह उच्च तापमान पर ही ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है, लेकिन गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है। गैलियम और सीजियम ऐसे धातु हैं जिसका गलनांक बहुत ही कम होता है। यही कारण है कि इन धातुओं को हथेली पर रखने से पिघलने लगते हैं। इन धातुओं का गलनांक इतना कम होता है कि वह बॉडी के संपर्क में आने पर ही पिघलने लगते हैं। धातु का अगला गुण देख लेते हैं। कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुणधर्म को आघात वर्धता कहते हैं। सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघात वर्ध धातुएं हैं। देखिए, धातुओं का और एक प्रॉपर्टी ये है और एक गुण ये है कि धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है और इसी गुण को आघात वर्धता कहते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सोना और चांदी। सोना और चांदी बहुत ही अधिक आघातवर्ध धातुएं हैं, क्योंकि सोना और चांदी को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है और इसकी आघातवर्धता दूसरे धातुओं की तुलना में अधिक है। ठीक इसी प्रकार कुछ धातुओं को पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है। इस गुणधर्म को तन्यता कहते हैं। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। देखिए, धातु का और एक गुण यह है कि धातुओं को खींचकर पतला तार बनाया जा सकता है और धातु के इसी गुण को तन्यता कहते हैं। और तन्यता के मामले में सोना
सबसे अच्छा उदाहरण है, क्योंकि एक ग्राम सोने से करीब 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। धातु का अगला गुण यह है कि धातुएं ऊष्मा का सुचालक हैं। इसलिए खाना पकाने के बर्तन के निर्माण के लिए धातु का उपयोग किया जाता है। देखिए, धातुएं जो हैं ये ऊष्मा का सुचालक हैं, वे ऊष्मा को एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित कर सकते हैं, और इसी गुण के कारण खाना पकाने के बर्तन के निर्माण के लिए धातु का उपयोग किया जाता है, ताकि बाहर की ऊष्मा बर्तन के अंदर तक जाकर खाना को पका सके। ऊष्मा की तरह ही धातुएं विद्युत का भी सुचालक हैं, इसीलिए विद्युत तार में धातु का प्रयोग होता है। धातु का अगला गुण यह है कि धातुएं कोई ठोस पदार्थ से टकराने पर एक विशेष प्रकार का ध्वनि उत्पन्न करता है, इसीलिए धातुएं ध्वनिक यानी सोनोरस कहलाते हैं। देखिए, जब कभी भी कोई ठोस पदार्थ धातु से टकराए तो ये धातु एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करती है, और इसी ध्वनि उत्पन्न करने के गुण के कारण ही धातुओं को ध्वनिक यानी सोनोरस कहा जाता है। धातुओं के भौतिक गुणों को जानने के बाद अब हम जानेंगे अधातु का भौतिक गुणधर्म। तो इससे पहले हम अधातु के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, सल्फर, क्लोरीन इत्यादि। तो इस प्रकार ये सभी एग्जाम्पल जो हैं ये अधातु के एग्जाम्पल हैं। अब आइए देखते हैं कि अधातु का क्या क्या भौतिक गुणधर्म है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रवा अवस्था में होती है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस पॉइंट से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक ऐसे अधातु का नाम बताओ जो कि कमरे के तापमान पर द्रवा अवस्था में होती है। इसका सही जवाब होगा ब्रोमीन। इसके अलावा सारी अधातुएं या तो ठोस हैं या फिर गैसें होती हैं। तो सिर्फ ब्रोमीन को छोड़कर बाकी जितने भी अधातुएं हैं सभी अधातुएं या तो ठोस अवस्था में पाई जाती हैं या फिर गैसीय अवस्था में पाई जाती है। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। देखिए, हमने इसी वीडियो में डिस्कस किया कि धातुओं का एक गुण होता है कि धातु की सतह चमकीला होती है, लेकिन आयोडीन जो है ये एक अधातु है, ये धातु नहीं है। लेकिन आयोडीन अधातु होने के बावजूद भी इसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है जो अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है। इसी वीडियो में हमने पढ़ा कि धातु जो है वह विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन ग्रेफाइट जो है ये एक अधातु है, लेकिन अधातु होने के बावजूद भी ये विद्युत का सुचालक है। और इस पॉइंट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक ऐसे अधातु का नाम बताओ जो कि विद्युत का सुचालक है। तो उसका सही जवाब होगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक अधातु है जो कि कार्बन का एक अपरूप है, और ये अधातु होने के बावजूद भी ये विद्युत का सुचालक है। अब तक के डिस्कशन में हमने धातु और अधातु के कुछ भौतिक गुणधर्मों के बारे में चर्चा किया। अब हम देखेंगे किताब में दिए गए कुछ प्रश्नों का उत्तर। एक नंबर क्वेश्चन जो कि आपके एनसीईआरटी साइंस में दिया हुआ है वो ये है, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो, एक नंबर में पूछा गया है, कमरे के ताप पर द्रव होती है। तो आपको एक ऐसी धातु का नाम बताना है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो इसका सही जवाब होगा मरकरी यानी पारा। पारा एक धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। बाद बाकी जितने भी धातुएं हैं सभी कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो देखिए, धातुएं जो हैं वह आमतौर पर कठोर अवस्था में होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे धातुएं हैं
जो बहुत ही मुलायम होती हैं और जिससे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो इसका सही जवाब होगा सोडियम, लिथियम और पोटेशियम। नेक्स्ट, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो उष्मा की सबसे अच्छी चालक होती हैं। देखिए धातुएं जो हैं वह उष्मा की चालक होती हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें बताना है एक ऐसा धातु का नाम जो सबसे अच्छी चालक है। इसका सही जवाब होगा चांदी। चांदी की चालकता दूसरे धातुओं की तुलना में सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है एक ऐसा धातु का नाम जो उष्मा की कुचालक होती है। जनरली धातुएं जो हैं वह उष्मा की सुचालक होती हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें एक ऐसा धातु का नाम बताना है जो उष्मा की कुचालक है। तो इसका सही जवाब होगा सीसा यानी लेड। लेड जो है वह एक धातु है और धातु होने के बावजूद यह उष्मा की कुचालक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। आघात वर्ध तथा तन्य का अर्थ बताइए। तो आइए इस क्वेश्चन का जवाब लिखने की कोशिश करते हैं। आघात वर्ध धातु का वह गुण जिसके द्वारा उसे पीटकर चादर बनाया जा सकता है। चूंकि हमने इसी वीडियो में डिस्कस किया कि धातु का एक ऐसा गुण है और जिस गुण के कारण किसी भी धातु को पीटकर पतला चादर बनाया जा सकता है और इसी गुण को धातु का आघात वर्धता कहा जाता है। सोना और चांदी सबसे अधिक आघात वर्ध धातुएं हैं। वैसे तो सभी धातुएं आघात वर्ध हैं, लेकिन सोना और चांदी की आघात वर्धता दूसरे धातुओं की तुलना में अधिक है। किसी प्रकार तन्य का परिभाषा हम देख लेते हैं। धातु का वह गुण जिसके द्वारा लंबे एवं पतले तार बनाया जा सकता है। धातुओं को खींचकर लंबे और पतले तार बनाए जा सकते हैं और इसी गुण को तन्य कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी, और अगर यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही यह वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि हर कोई इस वीडियो से लाभ उठा सके। और आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप अभी तक हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इससे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें ताकि हर नए वीडियोज की अपडेट्स आपको आसानी से मिलती रहे। स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय।